सुप्रभात। तो मैं पुनः आप सबके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज S27 लेकर आपके सामने हूँ। और इसके पहले जो 26 सीरीज आई हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। ये अच्छी बात है कि आपके कमेंट्स भी मुझे मिलते हैं। तो अब इन 15-15 क्वेश्चंस को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली से लगे हुए यूपी के जिले कितने हैं? यानी कि दिल्ली से जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो कितने जिलों की सीमा दिल्ली से लगते हैं? तो आप सब जानते हैं मात्र दो जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा दिल्ली से लगती है, एक गाजियाबाद और एक गौतम बुद्ध नगर। यानी कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? दो जिले लगते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर जिसका मुख्यालय नोएडा में है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आता कि NCR में यूपी के कितने जिले शामिल हैं तो आंसर फिर क्या होता? 8। अगर दूसरा क्वेश्चन होता इसी से कि NCR नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यूपी कितने जिले शामिल हैं, तब आपका आंसर होता 8। लेकिन सीमा से लगे हुए जिले कितने हैं? यूपी से, दिल्ली के सीमा से मात्र दो जिले लगते हैं। ये आप जानते हैं यूपी की सीमा 8 राज्यों व दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों व दिल्ली, यानी कि कुल 9, 8 राज्य व एक यूटी, 9 से सीमा लगती है। और एक देश नेपाल से भी लगती है। सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश के ही राज्यों से लगती है। और सबसे बड़ी सीमा जो यूपी की लगती है किससे लगती है? MP से, 12 जिले। सबसे ज़्यादा सीमा MP से लगती है। और सबसे जो कम सीमा यूपी की लगती है वो किससे लगती है? हिमाचल से लगती है। एकमात्र सहारनपुर, सहारनपुर जिला ऐसा है जिसकी सीमा हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा से लगती है। जबकि सोनभद्र एक ऐसा जिला है यूपी का जिसकी सीमा 4 राज्यों से, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन, पार्वती अरंगा पक्षी विहार, पार्वती अरंगा पक्षी विहार यूपी के किस जिले में है? पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा जनपद में है। यूपी के किस जनपद में? गोंडा में है। और इसे 2019 में रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। जो यूपी के नए रामसर साइट शामिल है उसमें पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा को भी रामसर साइट में शामिल किया गया। आप ये भी जानिए कि यूपी का जो सबसे बड़ा पक्षी विहार है वो लाख बहुसी पक्षी विहार है कन्नौज में। सबसे बड़ा जो बर्ड सेंचुरी है वो लाख बहुसी कन्नौज में। सबसे बड़ा जो वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हस्तिनापुर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजपत में है वो आप। और यूपी में एकमात्र एक ही नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में। लड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? तो ये इसका आंसर सिंपल सा है, लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ में ही भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो तंत्रिका विश्व वाला वो भी लखनऊ में ही है। और लखनऊ में ही भातखंडे संगीत संस्थान वो भी कहाँ? लखनऊ में ही। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की? एशियाटिक सोसाइटी जो प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए वारेन हेस्टिंग के समय एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई थी, 1784 में। बार बार क्वेश्चन आता है, कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी। किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी, किसके प्रयासों से हुई थी? वारेन हेस्टिंग के समय, कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम जोन्स। रट लीजिएगा, दो अस्पा व सिंह अस्पा मनसबदारी में दो अस्पा व सिंह अस्पा की प्रारंभ किसने किया? तो आप ये जानते हैं कि जो मनसबदारी सिस्टम था उसे किसने प्रारंभ किया था? पहले तो मनसबदारी आप जानिए, अलग क्वेश्चन आ सकता है। अकबर ने जो मनसबदारी सिस्टम था, मनसबदारी, उस मनसबदारी को प्रारंभ किसने किया भारत ने? अकबर ने। और इस मनसबदारी में दो अस्पा व सिंह अस्पा किसने जोड़ा? जहांगीर ने। मतलब बिना जात बढ़ाए सवार की संख्या बढ़ाना, दो अस्पा व सिंह अस्पा बिना बढ़ाए वाली जो दो अस्पा व सिंह अस्पा थे वो किसने प्रारंभ किया? जहांगीर ने। कहीं कहीं अकबर भी लिखा होता है लेकिन इसका आंसर जहांगीर है। अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी, है ना। चलिए अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया? हर्षवर्धन आप जानते हैं इसकी राजधानी कन्नौज थी। तो हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पर किया था? प्रयाग और कन्नौज में। कहाँ कहाँ किया था? प्रयाग में और कन्नौज में। और इसका साक्षी वेनसांग भी था, वेनसांग मौजूद था प्रयाग वाले में। वेनसांग हर्ष के समय ही भारत आया था, है ना। इसने हर्षवर्धन ने कहां पर किया? प्रयाग और कन्नौज में। हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी? कन्नौज, ये आप जानते हैं, है ना। और महान दानवीर शासक था, यानी यहां तक कहा जाता कि वो प्रयाग धर्म स्वभाव से अपने अंग वस्त्र दान कर दिए थे। खैर वो बात की बात है। अगला, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि भारत का सबसे पुराना हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक स्टेशन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो है वो 1897 में सिंद्राबाग या सिंद्रापुंग, सबसे जो प्राचीनतम विद्युत स्टेशन है 1897 में
1897 में बनाया गया। सिंद्रापोंग या सिद्राबांग कहाँ पड़ता है? नियर दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के पास ये स्टेशन बनाया गया। अगर ऑप्शन में सिंद्रापोंग या सिद्राबांग नहीं होगा तो आप आंसर भी क्या करेंगे? दार्जिलिंग करेंगे। क्या करेंगे? दार्जिलिंग। घूम के आइए, कभी बंगाल में पड़ता है तो दार्जिलिंग बहुत बेहतरीन जगह है, टी गार्डन के लिए वैसे फेमस है। तो दार्जिलिंग 1897 में सिंद्रापोंग या सिंद्राबांग में पहला जो भारत का जल विद्युत संयंत्र केंद्र खोला गया, ये क्वेश्चन में डीप हर एग्जाम में आता है कभी। और इसके बाद जो दूसरा सेंटर खोला गया वो 1902 में, कब खोला गया बोलो? 1902 में कर्नाटक में। कौन सा? शिवा समुद्रम, शिवा समुद्रम कर्नाटक में। हालांकि ये इसकी चर्चा ज़्यादा होती है शिवा समुद्रम की, लेकिन अगर कभी आपसे पूछ लें कि भारत का सबसे पुराना जल विद्युत ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक सेंटर कौन सा था, तो सिंद्राबाग या सिंद्रापोंग दार्जिलिंग 1897 में। और उसके बाद दूसरा कौन सा खोला गया वो आप बता पाएंगे? शिवा समुद्रम कर्नाटक में। तो इन क्वेश्चंस को भी आप रट लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक एक क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में मिलेंगे ना तो फिर आपकी बांछे खिल जाएंगे, आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। तो इन बातों को भी आप याद रखिए। चलिए अगले और क्वेश्चन ले लेते हैं स्पीड से हम। सुनामी वार्निंग सेंटर, भारत का सुनामी वार्निंग सेंटर कहां पर है? तो हैदराबाद में है, सीरीज कर लेंगे हैदराबाद। अगला है कि कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कावेरी का उद्गम आप सब जानते हैं कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, साउथर्न गंगा कहते हैं। कावेरी चूंकि सदा निर्या नदी है, कावेरी को भारतीय दक्षिण भारतीय गंगा भी कहा जाता है, साउथ इंडिया गंगा। याद रखिएगा, ओल्ड गंगा, वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी कहते हैं। और कावेरी श्रीरंगपट्टम, शिवा समुद्रम और श्रीरंगम जैसे द्वीपों का भी निर्माण करती है। अगला, बैंकों का भारत में पहली बार राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरी बार कब हुआ था? 1980 में। अगला है, भारत में सिक्कों की ढलाई कहां कहां होती है? तो भारत में जो सिक्कों क्वाइंस की ढलाई होती है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक जलयुक्त गिलास है, कैसी गिलास है? जिसमें जल भरा हुआ है। एक जलयुक्त गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जलयुक्त गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघल जाएगी क्या हो जाएगा? जब बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का स्तर क्या रहेगा? पानी का स्तर वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बार बार क्वेश्चन आता है, जब जलयुक्त जल से भरा हुआ गिलास है उसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, और जब बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो पानी में क्या अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आएगा, वही रहेगा पानी का स्तर। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन आता है। अगला, डॉक्टरों द्वारा एनिस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? डॉक्टरों द्वारा एनिस्थीसिया के रूप में हास्य गैस के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है N2O है। कौन सी है? नाइट्रोजन। आप जानते हैं ना N2O का, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ये कौन सी गैस है? लाफिंग गैस है, हास्य गैस है। इसको सूंघने के बाद आप आराम से हंसते रहेंगे और आपको लोग समझेंगे, सिद्ध की प्राप्ति हो गई। एक होती है टीयर गैस, वो अलग होती है अश्रु गैस, ये अमोनिया, लेकिन लॉफिंग गैस क्या होती है? N2O, हास्य गैस। चलिए दो क्वेश्चन और बचे हैं जल्दी से। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति, क्वेश्चन नंबर 14, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? आर्टिकल क्या है? 111, आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति किसी बिल पर, असेंट्स टू बिल, किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस वर्ष, ध्यान सुनना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है पीसीएस मेंस प्री में, किस वर्ष अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को ऑडिटिंग मतलब लेखा परीक्षण, किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षण ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा कैग का कार्य केवल, कैग जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक है, कैग का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित कर दिया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा कैग का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित कर दिया गया? तो क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसका आंसर होगा 1976 में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया और केंद्र में कैग का काम केवल सरकारी लेखा तक सीमित कर दिया गया। हालांकि राज्यों में ये दोनों काम अभी भी करता है, स्टेट में कैग अभी भी दोनों काम करता है, लेकिन केंद्र में 1976 से सिर्फ एक काम कर रहा है। इस बात को आप याद रखेंगे, राज्यों में अभी भी दोनों काम करता है। और इस तरह ये हमारी S27 ब्रह्मास सीरीज समाप्त हुई। इन क्वेश्चन को रटते रहिए, बार बार रिविजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। और आप देखिए एग्जाम तक कितने क्वेश्चन किस तरह से आपके लिए
एक सुनहरा अवसर लेकर आएंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।